हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित है और इस वीडियो में हम मिन्ना नो निहोंगो के लेसन 10 की वोकैबुलरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है इमास। इमास, एग्जिस्ट। बी, इट रेफर्स टू एनिमेट थिंग्स। एनिमेट थिंग्स मतलब वो चीज़ें जो खुद से मूव कर सकती हैं, जैसे कि इंसान या फिर एनिमल्स। एग्जाम्पल, मिस्टर यामादा इज देयर। यामादा सान वहाँ है। आसोको नी यामादा सान गा इमास। आसोको नी यामादा सान गा इमास। आरिमास। आरिमास, एग्जिस्ट। बी, इट रेफर्स टू इन एनिमेट थिंग्स। इन एनिमेट थिंग्स वो होती हैं जो खुद से मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, फर्नीचर इन योर रूम एट्सेट्रा। एग्जाम्पल, देर इज अ पार्क। को इन गा आरिमास। को इन गा आरिमास। इरो इरो। इरो इरो। इरो इरो इज ना एडजेक्टिव, इट मीन्स वेरियस। एग्जाम्पल, रेजो को नो नाकानी इरो इरो ना मोनो गा आरिमास। रेजो को नो नाकानी इरो इरो ना मोनो गा आरिमास। There are various things inside the refrigerator. Otoko no hito. Otoko no hito. Man. Onna no hito. Onna no hito. Woman. Otoko no ko. Otoko no ko. Boy. आपने देखा होगा मैन को बोला था ओतोको नो हितो, तो ये जो स्टार्टिंग के ये लेटर्स हैं ये सेम है। ओतोको नो, इसके बाद हितो लिख देंगे तो मैन हो गया, और को लिख देंगे तो बॉय हो गया। ये जो को होता है ये बच्चे के लिए यूज़ होता है। ये जो खांजी है ये बच्चे के लिए खांजी यूज़ होती है, और ये खांजी जो होती है ये मेल के लिए होती है खांजी। तो ओतोको नो को, बॉय। ऐसे ही वुमेन के लिए हमने यूज़ किया था ओन नानो हितो। हितो की जगह को लगा दिया, यहाँ पर को लगा दिया तो गर्ल हो गया, और ये फीमेल की खांजी होती है। ओन नानो को, गर्ल। ओन नानो हितो, वुमेन। इनु। इनु, डॉग। नेको। नेको, कैट। की, ट्री, वुड। मोनो। मोनो, थिंग। एग्जाम्पल, रेजो को नो नाकानी इरो इरो ना मोनो गा आरिमास। सेम एग्जाम्पल अभी कुछ देर पहले हमने इसी वीडियो में पढ़ा था। रेजो को नो नाकानी इरो इरो ना मोनो गा आरिमास। There are various things inside the fridge. फ्रिज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिरुमो। फिरुमो, फिल्म। इंग्लिश से बोरो किया हुआ वर्ड है फिरुमो। देंची। देंची, बैटरी। देंची वा जाशी नो मायनी आरिमास। देंची वा जाशी नो मायनी आरिमास। बैटरीज आर इन फ्रंट ऑफ मैगजीन। हाको। हाको, बॉक्स। हाको नो नाकानी तेगामिया शाशिनगा आरिमास। हाको नो नाकानी तेगामिया शाशिनगा आरिमास। देर आर लेटर्स, पिक्चर्स एंड सो ऑन इन द बॉक्स। ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैं इस वोकेबलरी की वीडियो में दे रहा हूँ, ये मोस्टली एग्जाम्पल्स मैंने ग्रामर की वीडियो में, लेसन 10 की ग्रामर की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। स्विची। स्विची, स्विच। रेजो को। रेजो को, रेफ्रिजरेटर। तेबुरु। तेबुरु,
table. テーブルの上に本があります。テーブルの上に本があります。There is a book on the table. ベッド、ベッド、ベッド。棚、棚、シェルフ。ノートは一番上の棚にあります。ノートは一番上の棚にあります。Notebook is on the topmost shelf. ドア、ドア、door. 窓、窓、window. ポスト、ポスト、postbox, mailbox.ビル、ビル、building。郵便局は高いビルの隣にあります。郵便局は高いビルの隣にあります。Post office is next to the tall building。公園、公園、パーク。喫茶店。喫茶店、コーヒーショップ。本屋、本屋、ブックストア。屋、屋、ストア。ストア、जैसे ブックストア हमने last example देखा था。ブックストア、ブックを बोलते हैं होन。और होन के बाद हमने लगा दिया या, मतलब ブックストア。यहाँ भी वो example लिखा हुआ है。होनिया मतलब बुक स्टोर, ऐसे ही हमें बोलना है ब्रेड स्टोर तो पानिया, ब्रेड को बोलते हैं पान, उसके बाद या लगा दिया पानिया ब्रेड स्टोर, फिश को बोलते हैं साकाना, फिश स्टोर साकानाया, फ्लावर को बोलते हैं हाना, फ्लावर स्टोर हानाया, ऐसे काफी सारी चीजों के बारे में हम काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनके स्टोर को उन चीज के नाम के बाद या लगा दें तो वो उसका स्टोर बन जाएगा लेकिन हाँ सभी चीजों के बाद ऐसे नहीं लगा सकते वो धीरे-धीरे जैसे आप सुनेंगे आपको पता लगती रहेंगी कि किन-किन चीजों के स्टोर के नाम ऐसे सिंपली या लगाने से बन जाते हैं ऐसा नहीं आप अपने दिल से किसी भी चीज के नाम के आगे या लगा दें और आप सोचें कि हाँ ऐसा स्टोर होता होगा ऐसा जरूरी नहीं है नोरिबा A fixed place to catch taxi, train, etc. For example, bus noriba, matlab a place where you can catch bus. Prefecture, prefecture, ken, ken. Japan mein 47 prefectures hain. Kuch prefectures ke example maine yahan par likhe hue hain. Chiba ken, Chiba prefecture, Saitama ken.Saitama Prefecture, Yamaguchi-ken, Yamaguchi Prefecture. Ue, ue, on, above, over. Teburu no ue ni hon ga arimasu. There is a book on the table. Shita, shita, under, below, beneath.Isu no shita ni neko ga imasu. Isu no shita ni neko ga imasu. There is a cat under the chair. Mae, mae, front, before. Mira-san wa erebeta no mae ni imasu. Mira-san wa erebeta no mae ni imasu. Mr. Miller is in front of the elevator.यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा जो भी हम एग्जांपल से पढ़ रहे हैं और ग्रामर वीडियोस में जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनको आप भले ही बीच में वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और साथ साथ उनको रिपीट करें सेंटेंस को उन सेंटेंसेस को देख देख कर रिपीट करें तेज आवाज में उनको बोलें दो चार बार उन्हें बोलें उसके बाद आप उस सेंटेंस को थोड़ा कंफर्टेबली बोलने भी लग जाओगे आपकी पढ़ने की स्पीड भी बढ़ेगी और आपको ग्रामर पॉइंट भी अच्छे से समझ आएगाUshiro, Ushiro, back.
behind. 男の子はドアの後ろにいます。男の子はドアの後ろにいます。The boy is behind the door. 右、右、right side. 左、左、left side. ये जो右और左है, ये directions बताने के लिए use करते हैं. मिगी बोल रहे हैं मतलब राइट साइड की बात कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और हिदारी मतलब लेफ्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. नाका, नाका, इनसाइड. हाको नो नाका नी तेगामी या शाशिन नादोगा आरिमास. हाको नो नाका नी तेगामी या शाशिन नादोगा आरिमास. देर आर लेटर्स, पिक्चर्स एंड सो ऑन इन द बॉक्स. ये ग्रामर वीडियो में एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है. सोतो, सोतो, आउटसाइड. तोनारी, तोनारी, नेक्स्ट, नेक्स्ट डोर. उचिनो तोनारी नी किरे ना कोएन गा आरिमास. उचिनो तोनारी नी किरे ना कोएन गा आरिमास. देर इज अ ब्यूटिफुल पार्क नेक्स्ट टू माई हाउस. चिकाकू, चिकाकु, नियर, विसिनिटी. उचिनो चिकाकु नी युबिंक्योकु तो गिंको गा आरिमास. उचिनो चिकाकु नी युबिंक्योकु तो गिंको गा आरिमास. देर इज अ पोस्ट ऑफिस एंड अ बैंक नियर माई हाउस. आइदा, आइदा, बिटवीन, अमंग. युबिंक्योकु तो गिंको नो आइदा नी सूपा गा आरिमास. युबिंक्योकु तो गिंको नो आइदा नी सूपा गा आरिमास. बैंक को युबिंक्योकु बोलते हैं, और सॉरी, पोस्ट ऑफिस को युबिंक्योकु बोलते हैं, बैंक को गिंको बोलते हैं. तो मतलब एंड, बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में, आइदा मतलब इन बिटवीन, सुपा गा आरिमास, सुपरमार्केट है. या नादो एंड सो ऑन. हाको नो नाका नी तेगामी या शाशिन नादो गा आरिमास. या और नादो, इनकी यूसेज ग्रामर वीडियो में समझाई हुई है, और ये सेम एग्जांपल के थ्रू समझाई हुई है. नो तो वा इचिवान उएनो थाना नी आरिमास. नो तो वा इचिबान उए नो थाना नी आरिमास. नोटबुक इज ऑन द टॉप मोस्ट शेल्फ. ये सेम एग्जाम्पल अभी इसी वीडियो में कुछ ही देर पहले हमने पढ़ा है. इचिबान का मतलब होता है द मोस्ट. इचिबान उए मतलब टॉप मोस्ट. इचिबान उए मतलब टॉप मोस्ट. इचिबान शिता बोलते तो बॉटम मोस्ट हो जाता. दान में, दान में, दान इज द काउंटर फॉर शेल्व्स. जो लास्ट एग्जांपल हमने देखा है, शेल्व्स होती हैं, जैसे सुपरमार्केट में शेल्व्स होती हैं, उन पर सामान रखा हुआ होता है. आपने लास्ट एग्जांपल में बोला था टॉप मोस्ट शेल्फ. इचिबान उए बोला था टॉप मोस्ट बोलने के लिए, इचिबान उए. अब आपको बोलने सेकेंड नंबर की, सेकेंड नंबर की शेल्फ बोलनी है, तो ये वाला वर्ड यूज होगा. दान में से पहले सेकेंड को बोलते हैं, नंबर टू को बोलते हैं नी. तो निदान में, यहाँ पर आप लगा देंगे नी. निदान में मतलब सेकेंड नंबर की शेल्फ. आप लगा देंगे सान. सान मतलब थ्री. सानदान में थर्ड नंबर की शेल्फ. तो ये लेसन 10 की वोकैबुलरी यहीं ख़त्म होती है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज के लिंक आपके सामने दिख रहे हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दिए हुए हैं. इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए. इन पे मैं कुछ ना कुछ जापान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, कुछ पिक्चर्स शेयर करता रहता हूँ, या कुछ क्विजेज डालता रहता हूँ, जिनमें आप लोग पार्टिसिपेट करें, जापान के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ेगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.